हाज़रीन, आज हमारी मेहमान शख्सियत अल्लामा रसूल बख्श सईदी साहब हैं। काफ़ी अरसे से हम इनसे मुलाकात की ख्वाहिश रख रहे थे। आज इन्होंने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला और हमें स्पेशल वक्त दिया। सबसे पहले आपसे मेरा ये सवाल है कि आप कहाँ पैदा हुए और आपने उधर क्या एजुकेशन वगैरह हासिल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रदर नज़र सईद साहेब, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे इदारे का विज़िट भी किया और वहाँ बच्चों से मुलाकात भी हुई आपकी। अगरचे हमारी ये बॉयज़ क्लास का आपने विज़िट किया है, गर्ल्स क्लासेस जो है ना वो आप विज़िट नहीं कर सके। इंशाल्लाह किसी वक्त मेरे पास टाइम हुआ और आपके पास भी वक्त हुआ, क्योंकि आप बहुत बिजी होते हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम ये आपका ये विज़िट करवाएंगे दोबारा इंशाल्लाह डिटेल के साथ। वो ये है कि मेरा ताल्लुक जो है ना डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ मुल्तान से आगे है, उसकी तहसील है अलीपुर, ये हेड पंजनंद के करीब है और उच शरीफ के करीब है। अलीपुर का हमारा वहाँ रिहायश है और मैंने वहाँ से प्राइमरी पास किया। उसके बाद जो है मैं हिफ्ज़े कुरान किया, हिफ्ज़े कुरान करने के बाद दर्से निज़ामी किया और दर्से निज़ामी करने के बाद मैंने फिर मैट्रिक किया, फिर एफए किया, जो वहाँ का हकूमती एग्ज़ाम होते हैं आप बेहतर जानते हैं जी। और उसके बाद एंड बात करता हूँ मैं, फिर मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वहाँ चला गया। 4 साल मैंने वहाँ तालीम हासिल की और मैंने मास्टर की डिग्री वहाँ से हासिल की इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से। कौन से सब्जेक्ट में? अरेबिक लैंग्वेज में जी। जी अगरचे पहले मैंने मास्टर मेरी थी इस्लाम स्टडीज में और अरेबिक लैंग्वेज में, दोनों में पहले थी, फिर मैंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, क्योंकि वहाँ अरेबिक का माहौल था, स्पीकिंग राइटिंग रीडिंग एवरीथिंग, तो जिसकी वजह से मैं इस्लामाबाद चला गया। और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी, असातिज़ा टीचर्स भी बाहर के थे और फिर स्टूडेंट्स भी बाहर थे, उनके साथ गुफ्तगू का और उनसे तारुफ का दुनिया का हमें पता चला। और फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह चल सो चल वहाँ से सिलसिला चल पड़ा जी। आप यहाँ यूके में कैसे तशरीफ ले आए? हाँ, यूके मैं हाजिर हुआ यहाँ सुल्तान बहू ट्रस्ट पीर सुल्तान नियाजुल हसन की दावत पर मैं यहाँ आया और पहले ही दिन से मेरा ये ख्याल था कि यहाँ दर्से निज़ामी का इल्मी काम किया जाए, बनिस्बत इसके कि हम नाजरा कुरान हिफ्ज़े कुरान वो अच्छी चीज़ें हैं, नाजरा कुरान हिफ्ज़े कुरान अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता था कि कुरान फहमी हो, कुरान को समझा जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ दर्स निज़ामी का कोर्स सेट किया और उसको पढ़ाना शुरू किया और इस वक्त आप यकीन फरमाएं तकरीबन मजॉरिटी यहाँ मिडलैंड में यूके में मेरे स्टूडेंट हैं जो इस इल्मी इस्लामी दीनी तबलीगी इस काम में वो लगे हुए हैं और ये काम कर रहे हैं। मशहूर जो है ना मेरे स्टूडेंट्स में से मौलाना सज्जाद हुसैन है, मौलाना असरार रशीद है, शेख यासीन है
और ये साकिब पीर साकिब इकबाल हैं, ये एजाज शामी है और मुफ्ती मुनव्वर अतीक है। माशाल्लाह, ये फहरिस्त बहुत लंबी ये है इसकी फहरिस्त। इसी तरह नासिर रशीद है, मौलाना मोहम्मद लुकमान है और जनाब और शम्स रहीम है, ये बहुत सारे हैं। अब क्या मैं ये तो बर्मिंघम के अंदर में लैंड में काम कर रहे हैं, लेकिन लंदन के अंदर, रेडिंग के अंदर, नॉर्थ साइड, शेफील्ड के अंदर मेरे शागिर्द हैं मौलाना जफरुल्ला खान, वो उनका वो बिलोंग करते हैं इससे साउथ अफ्रीका से, तो वो काम कर रहे हैं और एक बहुत बड़े इंशाल्लाह जय्यद आलमीदीन हैं, वो भी काम कर रहे हैं। तो लंदन की तरफ, मैनचेस्टर की तरफ भागदौड़ उनकी लगी रहती है। बहरहाल और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे, मैं अगर गिनवाना शुरू कर दूं तो ये ना समझे कि मैं उनको जानबूझकर मिस कर गया हूं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन टाइम इतना नहीं है, तो मैंने काम किया जी, माशाल्लाह। और वहां से फिर मेरा ख्याल हुआ कि मैं इससे बड़े पैमाने पर मैं काम करूं इस चीज का, और वो काम किया मैंने अपना इदारा, इदारा फैजान रसूल, फैजान रसूल एजुकेशन सेंटर को मैंने काम किया। ये कौन से ईयर की बात है, किस साल में? 2002 के अंदर, 20 साल पहले। हाँ, तकरीबन 20 साल पहले की बात है जी। मैंने यहाँ ये काम किया। असल दर्स निजामी कुरान फहमी का मैंने क्यों शुरू किया, ये एक बात। असल बात ये थी कि मैंने देखा यहाँ जो उलमा आ रहे हैं मसाजिद के अंदर, मदारिस के अंदर, पाकिस्तान से आ रहे हैं, और उनकी जो लैंग्वेज है वो उर्दू स्पीक करते हैं, और अगर चंद एक आए जो इंग्लिश जबान जानते थे, बोल भी कुछ सकते थे, लेकिन उनका एक्सेंट, उनका स्पीकिंग वो पाकिस्तान का था, वो सादा सा। यहाँ के बच्चे जो है ना वो उनका मजाक उड़ाते थे। एक मैं आप मिसाल मैं बताता हूँ, एक बहुत बड़े वकील आए वहां से, तो वहां हमारे जो स्टूडेंट थे, मेरा ख्याल था ये उनसे खिताब करें, तो जब उन्होंने अपना तारुफ कराया सबसे पहले पाकिस्तान का, उन्होंने कहा कि मैं इन पाकिस्तान आई एम वेरी बिग लायर, ठीक है ना, वहां यही एक्सेंट है ना, बिल्कुल कानून दान का लायर, बच्चे हंसने लगे। तो उन्होंने कहा कि यार ये खुद कह रहा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मैंने उनको कहा कि ये, वो परेशान हो गए, मैंने कहा ये एक्सेंट की वजह से आप ये कहें कि आई एम वेरी बिग लॉयर, लो यहां कहा जाता है पाकिस्तान में, इसको ला कहते हैं जी। तो आप तो समझ गए ना, तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ के बच्चों को, यहाँ के नौजवानों को आलिम बनाया जाए ताकि इस फील्ड के अंदर वो काम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा प्रोग्राम था उसके मुताबिक इस वक्त हमारे नौजवान हर एक, यानी फील्ड, किसी की तकरीर है, किसी का मुनाजरा है, किसी की तदरीस है, किसी का, यानी वो अपने काम में लगे हुए हैं। और मैं बहुत खुश हूं अपने उन स्टूडेंट से जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत खूब। ये कि आप आगे, आपके फ्यूचर क्या प्रोग्राम है, फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं और हाँ, कहां तक अपने आप को लेकर? देखिए, फ्यूचर में हमारा प्रोग्राम तो ऐसे ही है, लेकिन अब हम, मैं ये सोच रहा हूं कि एजुकेशन के अंदर जहां हमारा काम जारी रहेगा, साथ दावतो तबलीग इरशाद पर हमें काम करना चाहिए। दो जो फील्ड्स हैं उसके अंदर, एक है
ये सोशल मीडिया के थ्रू अपने मैसेज को पहुंचाना, और दूसरा रिटन यानी कि बुक्स लिखी जाएं, या उन बुक्स का जो पहले लिखी जा चुकी हैं उनको ट्रांसलेट किया जाए इनटू इंग्लिश, ताकि यहाँ जो है बड़े हमारे जो मुतकद्दमीन हैं उनका सही तौर पर तारुफ ये कराया जा सके। एक बात जो मैं मिस कर गया था पाकिस्तान से तालीम का, मैंने जामे निजामिया लाहौर में मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल कयूम हजारवी रहमतुल्लाह अलैह से भी पढ़ा, और हुजूर गजाली जमा सैयद अहमद सईद काजमी रहमतुल्लाह अलैह उनसे हदीस भी पढ़ी, और उनके हाथ पर वो बैत भी मैं हुआ, और उनकी दुआएं मैं समझता हूँ मेरे असातिज़ा की इतना है कि मैं इस मकाम पर जो पहुँचा हूँ उनकी दुआओं का ये नतीजा है। माशाल्लाह बहुत खूब। ये कि अब गौहर टीवी के हवाले से आप नाज़रीन को कुछ पैगाम देना चाहेंगे? वो आपका ये जो यूट्यूब का ये एक चैनल है गौहर टीवी, मैं समझता हूँ कि आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम इन हवाले से कि आज का दौर जो है सोशल मीडिया का है, और अगर दूसरे कामों के साथ साथ आप दीन का मैसेज इसके जरिए से दूसरों तक पहुंचाते हैं तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा दुनिया के अंदर भी कामयाबी है और आखिरत के अंदर भी कामयाबी है। अगर इस नीयत से करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे राजी होंगे इंशाल्लाह। हम जो है आपके साथ मिलकर इस दीन की तबलीग के सिलसिले में हम काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं अल्लाह ताला आपको खुश रखे।